कुछ नहीं होगा सुनने से, कोई बीमारी इनको छू भी नहीं पाएगी। सीरियल मेरा बालम थानेदार में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां वीर के डैड की तबीयत हुई खराब, जिसे लेकर सभी हैं परेशान। जी हां, दरअसल सीरियल मेरा बालम थानेदार में वर्धन सिंह यानी वीर के पिताजी की है तबीयत खराब, जिसे लेकर हर कोई है चिंतित। वहीं डॉक्टर करते हैं वर्धन सिंह का इलाज और फिर कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं। देखिए मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में देखिए वो तो डिटेल टेस्ट करने के बाद ही पता चल पाएगा कि इन्हें क्या हुआ। अकॉर्डिंगली हम फिर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसे ही इन्हें होश आया तब मुझे प्लीज इन्फॉर्म कीजिए। जी सुपरविजन के लिए मैं अभी नर्स भेज। जिसके बाद बुलबुल हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करती है। वहीं वीर डॉक्टर को छोड़ने बाहर जाता है और बुलबुल को भी ले जाता है ताकि डॉक्टर उसे सारी दवाइयों के बारे में समझा सके। वहीं कहानी में आता है ट्विस्ट जब वहां होती है देवेंद्र राजावत यानी कि बुलबुल के पापा और गीता की एंट्री, और आते हैं देवेंद्र राजावत अपने समधी को ऐसा देखकर होते हैं इमोशन और फिर कहते हैं मैं आपके लिए मंदिर जाऊंगा प्रार्थना करने, फिर क्या हुआ आप खुद देखिए। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा समधी सर को, कुछ नहीं होगा संबंध, कोई बीमारी इन्हें छू भी नहीं पाएगी। मारे को प्रभु के आगे चाहे माथा झुकाना पड़े, सभी साके लिए प्रार्थना करती पड़े। इसी के साथ ही देवेंद्र राजावत बुलबुल को अपने साथ बुलाकर ले जाते हैं बाहर। बेटा मारे को मंदिर ले चल, पास वाले मंदिर ले चल बेटा, मैं सभी साके लिए प्रार्थना कर बैठ कर। आ जाओ बेटा। अभी एक सीन हुआ जहाँ पे यू नो समधी जी आपकी बीमार, क्या हो रहा था थोड़ा बताइए। तो समधी जी का ऐसा होता है कि तबीयत खराब हो जाती है, उनको हार्ट अटैक आता है और बस वो घर में डॉक्टर आए हैं तो हम भी उन्हें मिला है, हमें भी नहीं पता भी क्या हुआ है। देखिए देवेंद्र जो कैरेक्टर है वो ऐसा है ही नहीं कि वो प्रार्थना करने तो ले जाएगा, डेफिनेटली उसके दिमाग में कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग चल ही रही होगी। तो तभी वो मुझे भी होता है कि क्यों लेके जा रहा है, क्योंकि इससे पहले स्क्रिप्ट वाइज एक पूरा सीक्वेंस गया है जो मैं अभी शूट नहीं किया है, तो उसमें ऐसा होता है कि देवेंद्र उसको कुछ बोलता है कि मेरे लिए ये कर दे, तो आई थिंक वो उसी से रिलेटेड बात करने वापस से उसको लेके जा रहा है, तो मेरे दिमाग में आता है कि ये क्यों ले जा रहा है अभी वापस से उसे। सो वैसा ही है। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आएगा कौन सा नया मोड़, यह देखना दिलचस्प होगा।